सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में हम करिकुलम पेडागॉजी एंड इवैल्यूएशन की यूनिट 3 जो कि है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच करेंगे। आज हम अपना टॉपिक 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब होता है जब भी कोई लर्निंग हो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, यानी हम डिफरेंट एक्सपीरियंस करें और उससे जो हमें नॉलेज मिलती है और जो हमें लर्निंग मिलती है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये हमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से मिलती है और ये भी कहा जाता है कि जो इसमें नॉलेज है वो क्रिएट होती है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस से, यानी अपने एक्सपीरियंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उससे जो हमें नॉलेज मिलती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो अभी तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट समझा है, अब हम इस टॉपिक को और क्लियरली समझते हैं। तो अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिससे लर्निंग होती है वो प्रोसेस में लाई करती है, यानी जब हम कोई किसी प्रोसेस के थ्रू हम कुछ लर्न करते हैं। जैसे कि आपको स्विमिंग सीखनी है तो वो एक प्रोसेस होगा, आप स्विम करने जाएंगे और उससे ही रेगुलर एक्सपीरियंस से आप लर्न कर पाएंगे स्विमिंग। सेकंड इज लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हमें किसी प्लांट की ग्रोथ देखनी है तो हम क्या करेंगे, हमें डेली उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसने कितनी ग्रोथ करी, ठीक है। थर्ड इज़ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय अ डायलेक्टिकल मोड्स, यानी कि लर्निंग जो होती है वो बोल के नहीं करी जाती इस मेथड में, वो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करी जाती है। फोर्थ इज़ लर्निंग इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, यानी कि ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ उसको कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, अपनी साइकिल को प्रॉपर साइड में कैसे चलाना है, सेफ्टी मेजर, ब्रेक्स कब अप्लाई करने हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हम सीखते हैं, ओवरऑल चीज़ हम सीखते हैं। सिर्फ साइकिल चलाना नहीं कि कैसे पेडल्स करने हैं वैसे वो नहीं सीखते हम, उसके साथ सारी हम चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग ट्रांजिशंस बिटवीन द लर्नर एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू होता है, इन्वायरमेंट से हम कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमें एक्सपीरियंस मिलता है। इससे क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांजिशन हुआ है लर्नर और एनवायरनमेंट के बीच में। लास्ट इज लर्निंग प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो हमें कैसे मिलती है, सोशल नॉलेज और पर्सनल नॉलेज का जब ट्रांजिशन होता है, कनेक्शन होता है, उससे हमें नॉलेज मिलती है, इसलिए इसको लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये तो हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कोलबर्ग साइकिल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसको हम सिंपली जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज क्लास थर्ड ले लो या क्लास सेकंड ले लो, उन्हें हमें दिखाना है प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में क्या होगा, टीचर जो है उन्हें एक सीट देगी बच्चों को और उन्हें बोलेगी कि आपको मैंने सीट दे दी, अब आपको इसे फुल केयर करनी है, इसे वाटर करना है और इसकी ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट इज़ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, टीचर अपने एक्सपीरियंस से सबसे पहले उन्हें एक सीट देगी। सेकंड इज़ और फिर उन्हें बच्चों को बोलेगी कि वो वाटर करें, उसका ध्यान रखें, उसे सनलाइट दें एक्सेट्रा। सेकेंड इज़ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होगा, जैसे बच्चे उसे धीरे धीरे उसकी केयर कर रहे होंगे वो देखेंगे कि प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें स्टेम अपीयर हो रही है, कोई सेपल कोई फ्लावर अपीयर हो रहा है या कुछ भी उनका कोई पार्ट दिखाई दे रहा है प्लांट का, तो ये होगा उनका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। थर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। इसमें क्या होगा, इस स्टेज ऑफ लर्निंग पे जो लर्नर्स होते हैं वो किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है, किसी को भी बता सकेंगे वो कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट में उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो ये तो जान गए हैं कि एक प्लांट कैसे ग्रो होगा, उन्होंने पहले रोज प्लांट लिया है, अब वो कोई और प्लांट लेंगे या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, डिफरेंट प्लांट्स लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं या और इंटरेस्ट लेंगे उस टॉपिक में, तो इससे क्या होगा, उनका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होगा। तो ये तो कोलबर्ग साइकिल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कि टीचर्स का क्या रोल होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। तो सबसे पहले टीचर को टीचर सेंट्रिक नहीं होना पड़ेगा, उन्हें स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बच्चों को दे और डोमिनेट ना करे बच्चों पे। उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स वो चुने जिसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट लें और ऐसे वे टॉपिक जिसको टीचर ऑलरेडी कर चुकी है और उन्हें बाद में एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उन्हें ये याद रखना चाहिए टीचर को कि उनका पर्पस क्या है, वो पर्पस ना भूल जाएं अपने भी किसी एक्सपेरिमेंट के पीछे का, उनका क्या पर्पस है, क्या मोटिव था। और बच्चों के साथ अपने उन्हें फीलिंग को शेयर करना चाहिए कि जब उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने में आई, कैसे उन्होंने डील करी। उसके बाद क्या है, उन्हें एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए बच्चों की नीड्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो फिर
प्रोवाइड करें बच्चों को रेलेवेंट और मीनिंगफुल रिसोर्सेज, जिससे बच्चे अपने एक्टिविटीज़ को, एक्सपीरियंस को गेन कर पाएँ। उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या है, सॉल्यूशन में हेल्प करनी चाहिए टीचर को, और मेन उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे खुद करें, ज़्यादा उन्हें स्पून फीडिंग ना दी जाए, और टीचर को एट लास्ट एकेडमिक और इस एक्टिविटी के बीच में बैलेंस बना के चलना है, कोई भी चीज़ पीछे ना छूट जाए और सारे टॉपिक्स कवर हो, ये एक टीचर को प्रॉपरली याद रखना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा टीचर का क्या रोल होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। तो अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्टिमुलेट्स लर्निंग, यानी कि जो नॉलेज होती है वो डीप लर्न नॉलेज होती है, इसमें रोट मेमोराइजेशन नहीं होती। उसके बाद ये रियल लर्निंग है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है स्टूडेंट्स की, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ये मोटिवेशनल अप्रोच है, इसमें बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, और एक करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों को मिलती है जब वो अपने रियल, जब वो एक्सपीरियंस से जाएंगे, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अब ये तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ थी, अब हम देखते हैं वीकनेस के बारे में। ये एक रिजिड अप्रोच होती है, यानी कि इसमें चार फेजेस होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जो भी हमने अभी प्रोसेस देखे थे। तो इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चा अलग अलग होता है और वो सारे प्रोसेस को प्रॉपरली नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ी रिजिड अप्रोच है। इसके बाद ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है। नेक्स्ट इज़ इसमें लिमिटेड स्कोप होता है, सोशल एस्पेक्ट इग्नोर करे जाते हैं, और इसमें ना लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान नहीं देता, एक प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है कि क्या प्रोसेस था, कैसे बच्चों ने एक्सपीरियंस गेन करा, उस पे ध्यान दिया जाता है, क्या रिजल्ट आया उस पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये इसकी कुछ वीकनेस थी। सो आज हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फिर हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर हमने देखा लर्निंग साइकिल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या टीचर का रोल होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, और एट लास्ट हमने देखे कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।